टोहाना में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने आज शहर में रोष मार्च निकाला। उनकी मांग थी कि पिछले दिनों बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। इसको लेकर उन्होंने एक मांग पत्र एसडीएम के नाम सौंपा। एसडीएम की अनुपस्थिति में इस मांग पत्र को तहसीलदार के द्वारा स्वीकार किया गया। इसके बारे में जानकारी देते हुए कर्मचारी नेता ईश्वर सिंह ने बताया कि पिछले माह 20 मार्च को बिजली विभाग की टीम गांव फतेहीपुर में बिजली चोरी पकड़ने गई थी। इस दौरान वहां पर एक ग्रामीण ने उनके साथ मारपीट की, जिसकी एफआईआर पुलिस के द्वारा दर्ज कर ली गई है, मगर इतने लंबे समय के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसको लेकर बिजली विभाग के कर्मचारियों में रोष है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो अपने संघर्ष को और भी तेज करेंगे। आने वाले समय में जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर इस आंदोलन को चलाया जाएगा। बिजली कर्मियों के द्वारा इस प्रदर्शन की शुरुआत चंडीगढ़ रोड पर स्थित बिजली विभाग के कार्यालय से की गई, जिसके बाद ये शहर के मुख्य बाजारों से होकर गुजरा और टोहाना के लघु सचिवालय में आकर समाप्त हुआ। नाम क्या है और आज के प्रदर्शन के बारे में क्या कहेंगे? मेरा नाम ईश्वर सिंह है, टोहाना सब यूनिट एचएससी वर्कर यूनियन का प्रधान हूँ मैं। हमारा मामला ये 20 तारीख से वही है जी, आप सबको मालूम ही है हमारा जो एजिटेशन है लगातार 5-6 दिन से चल रहा है। जो आरोपियों ने हमारी बिजली कर्मी चोरी पकड़ने गई टीम पर हमला किया था, उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बड़ी शर्म की बात है कि टोहाना पुलिस प्रशासन ने इतना संघर्ष कर रहे हमारे साथी और एफआईआर होने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इस पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो बहुत असंतुष्ट है। हमारे कर्मचारियों में बड़ा रोष है कि हमारे पर ऐसे तो हर रोज़ हमले होंगे, यदि पुलिस ने इतना बड़ा पुलिस प्रशासन एक दोषी को नहीं पकड़ सकया तो हम क्या उम्मीद रखेंगे। हर बार हमारे को आश्वासन मिलते रहते हैं, हमारे ऊपर हमारे डिपार्टमेंट का भी बहुत जोर है कि आप थेफ्ट पकड़ो, लाइन लॉस बहुत है और हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो रही, ये बड़ी शर्म की बात है और हम जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी ये हमारा आंदोलन है तब तक चलता रहेगा। क्या लगता है आपको, कोई पुलिस पर प्रशासन पर दबाव लगता है या क्या लगता है, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या बताएं जी, जब तक गिरफ्तारी नहीं हो रही कुछ ना कुछ मामला हो सकता है, लेकिन हम तो यही है कि गिरफ्तार कराकर छोड़ देंगे। हम अपने आप में बहुत मजबूत हैं, हमारे बिजली बोर्ड के 4 संगठन हैं, एक एक कर्मचारी जुट हैं। आज करीब यहाँ सिर्फ टोहाना सब डिवीजन के 300 कर्मियों ने प्रदर्शन किया है। हमारी जो कमेटियां हैं यूनियन की सब यूनिट लेवल पे बनी हुई हैं, यूनियन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे भी है। पहले हम खुद लड़ाई लड़ रहे हैं, यदि 2-3 दिन के अंदर इन हमारी मांग पूरी नहीं होती और दोषी गिरफ्तार नहीं होता तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने हमारे कर्मचारी हैं सभी इकट्ठा होकर डीसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम प्रदर्शन करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी काम बंद चल रहा है आपका? हमारा 9 से 5 का धरना चल रहा है जी, शांतिप्रिय ढंग से। अभी तक जो काम है वो कुछ हमारे सहयोग से कुछ चल रहा है, कुछ बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट A1 हरियाणा।